नमस्कार, मैं हूं अर्चना शर्मा और आप देख रहे दी खबरी बाबू। पेंट लाइट एवं साउंड से जुड़े बिहार के विभिन्न जिलों में जितने भी छोटे छोटे व्यवसाय एवं इवेंट करने वाले हैं, सभी के मन में कहीं न कहीं शंका है। जिस तरह पिछले लॉकडाउन में इन व्यवसायियों को बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ा, अगर इस बार भी स्थिति बनती है लॉकडाउन टाइप, तो इनके परिवार रोड पर आ जाएंगे। सरकार को एक बड़ा फैसला इनके हित में भी लेना चाहिए। आइए देखते हैं इस पे चंदन भारती का एक विशेष रिपोर्ट। जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, एक बार फिर से शादी लगन या शुभ मुहूर्त पर हमेशा से सारथी बनने वाले व्यवसाय बैंड बाजा साउंड लाइट एंड क्रॉकरी इवेंट वालों को डर सता रहा है। द खबरी बाबू की टीम से बातचीत में गया जिला साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय सिंह ने बताया, एक तो वैसे ही पिछले बार के लॉकडाउन से सभी की आर्थिक रूप से कमर टूटा हुआ है, अगर इस बार भी पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है तो कितने परिवार रोड पर आ जाएंगे। सरकार को इस विषय पर ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का फैसला लेने की आवश्यकता होगा, क्योंकि पिछले एक साल से किसी भी तरह का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके वजह से पेट पर आफत पहले से ही है। अगर फिर से शादी विवाह या किसी भी तरह का पाबंदी लगा दी जाती है तो इन व्यवसायों से जुड़े गरीब कहाँ जाएंगे, कोई सूद लेने वाला नहीं है। सरकार को जो भी फैसला लेना होगा वह बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि इस व्यवसाय से जुड़े लोग की स्थिति बहुत दयनीय है। कई जगहों पर तो इसका विरोध भी होने लगा है, लेकिन हम लोग खुद शांति की भूमि बुद्ध की नगरी से संबंध रखते हैं, इसलिए हमारी मांगे सरकार से शांति पूर्वक है कि कोई भी फैसला लें, हम सभी के हित में लें।